जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमारा अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में। लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण है, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। वो सबको कहता तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, वो सबको करके चलता। वो चमार से भी कहता तू भी हिंदू हो, तो वो सबको लेकर के चलता। ये भी तो कहते हैं हम बहुजन है साहब। कहां बहुजन? ओहो, अभी देखा ना अंदर डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाने पे क्या हैं तुम कह रहे हो बहुजन? फहमी हो गई थी ना लोग, किसको गलत फहमी हो गई थी? जो आयोजक थे वो भूल गए थे लगाना। अच्छा भूल गए थे। अभी मंजीत मेहरा है गायक है बेचारा, उसने जय भीम का नारा लगा दिया, उसे मंच उठा कर नीचे करते और चल नीचे। जय भीम के नारे से यार इतनी नफरत हो गई जी। जय भीम के नारे मैं बता रहा हूँ ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से, आपके चार बुढ़ों के चार चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर ये आयोजन कर रहे हैं। अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था कोई, अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता। आज ये उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में खड़े होकर अपनी बकवास कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती? कौन से चमार है? घटिया घटिया और क्या, तोड़ने वाले जो समाज का सत्यानाश कर रहे हैं वो ये तो रविदास ही बता रहे हैं। तो रविदास ने कहा समाज को तोड़ने की बात करी? रविदास ने तो कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़ो सब संबंध रविदास है बरसन। रविदास ने तो सबको जोड़ने की बात करी, और इनको अम्बेडकर भी हजम नहीं हो रहे, तो ये तो ये रविदासवादी भी नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से वादी है, इनका तो वादी समझ में नहीं आ रहा क्या है। फिर ये क्यों इकट्ठे हो? इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बातें समझ में आएंगी। और दो, अभी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। इसका कोई मतलब भी है? मतलब उस पर सीधा था, एक आदमी मंच पे बैठा हुआ मैंने देखते पहचान लिया, जय भगवान विश्व हिंदू परिषद का आदमी, ठीक है, जय भगवान दूसरा भी एक जय भगवान जाटव ने, वो विश्व हिंदू परिषद है पता नहीं कौन सा संगठन है उनका, तो वो वहाँ बैठे थे। और ये सारा काम उसी बीजेपी और आरएसएस की सह पे हो रहा है ताकि बहुजन समाज और बहुजन समाज की जो एका किए वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, तो वो खत्म हो जाए। आदमी विरोध करने वाले ज्यादा बाहर नजर आ रहे हैं हमें। हाँ तो ये जो मुठीवर लोग हैं ना, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, किसी ने अखिल भारतीय चुमार संघ बना रखा है, किसी ने अखिल भारतीय पता नहीं कौन सा संघ बना रखा है, संघ में उनके अलावा उनकी घरवाली नहीं है, उनके पास में जो विजिटिंग कार्ड है ना उसने ले रहे हैं कि अखिल भारतीय चुमार महासंघ, कब मैं कौन का मैं अध्यक्ष हूँ उसका, घरवाली था वो घर है, मतलब इनके साथ में इनकी घरवाली नहीं है, बच्चों की तो बात छोड़ दो। मैंने यहाँ आज ऐसे ऐसे देखे, मजे की बात बता रहा हूँ, कि जो लोग जिनके बुजुर्ग अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं रविदास की मूर्ति नहीं लगेंगी, उनके बेटे कह रहे हैं कि नहीं लगनी चाहिए, हमारा बाप पागल हो गया है, तो आप समझो ना अम्बेडकर वाद। कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, इन बेचारों को पैसे वैसे मिल गए ठीक ठाक कहीं से, तो यहाँ तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम करके दिखा दीजिए, कर दिया बात खत्म, पैसे शाम को अपना मुर्गा खाएंगे दारू पियेंगे काम करते। प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ फिर इसका? कोई अरे कुछ ना कुछ तो होगा, पैसे तो हजम करने कहीं से लिए नहीं, अगर तुम किसी पड़ोसी से 10,000 रुपए उधार ले लो किसी काम के तो करके तो दिखाना पड़ेगा ना, बाहर विरोध होता रहा। जगजीवन राम का तो लगा हुआ ना, तो बाबू जगजीवन राम का हम भी सम्मान करते, हमने कम मना किया, उनका सम्मान नहीं है। ये बात अलग है कि मीरा कुमारी अंदर मंच पर थी, वो नीचे उतरती थी, उनका इंटरव्यू करता, उनसे पूछता, उन्होंने 1999 कहा था, एक बार कहा था कि रूपचंद जी की लड़की थी जो निगम पार्षद रही है कांग्रेस, अभी बीजेपी में चली गई है, ठीक है, वो भी कह रही थी क्या जी, उसने भी कहा था, रूपचंद ने भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो क्या नाम है अंग्रेजों की कलम में स्याही भरते थे। तो इसे हिसाब लिया जाना चाहिए, समाज गरीबान पकड़ के हिसाब पूछेगा, ऐसा नहीं है नहीं पूछेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उंगली उठाने का मतलब है आप सूरज पर नीचे से धूल फेंकने का काम कर रहे हैं। ये तो बाबा साहब की बदौलत है ना जो आज ये ताल कटोरा में ना ना, ये बाबा साहब की बदौलत कैसे हो जाएंगे, तो ये पता नहीं किसी और की बदौलत, ये बीजेपी आरएसएस की बदौलत है, हाँ ये किसी की जेब की बदौलत है। तो कहां किस तरफ जा रहा है फिर ये समाज? आप तो कह रहे समाज तो यहाँ खड़ा है ना बाहर, वो जो अंदर बैठे हैं 80-80 साल के, ये 5 साल में सब खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म, समस्या खत्म, बचा क्या कुछ? तो ऐसी एकजुट होगा समाज? समाज तो एक ही जुट है, ये नेता एक जुट नहीं, अंदर नेता है, समाज तो बाहर रोड पे है, ये सब समाज ही तो खड़ा है पीछे, तो मुझे सुन रहा है खड़े होकर के। मतलब आप बाबा साहब को ठुकरा रहे हैं और जिन्हों गाली दो वो अपना रहे हैं बाबा साहब? हाँ तो मैंने वही बात कही ना, कि जिस दौर में बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है और वो बाबा साहब की बात करने में, म्यूजियम बनाने में, जय भीम का नारा लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हों, उसी दौर में चमार कम्युनिटी जिसको कहा जाता है बाबा साहब की वजह से यहाँ तक पहुँचे, वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में, फोटो लगाने में हिचकिचा रही हो, तो आप समझ लीजिए पैसा हमारा ऐसे कहा गया मन से कि जिसे रुकना हो रुको नहीं वो जा सकता बाबा साहब। तो भाई साहब आका को खुश करना है, ये वो लोग हैं से कह दिया जाए बिल्कुल मारेंगे आका साहब। अच्छा। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, गाली देंगे वो, ठीक है, ये सब बिके हुए हैं, बिके हुए नहीं, बिक तो बहुत दिन पहले गए थे, चेहरे आज नकाब हुए इनके। वास्तविकता यहाँ पर आकर देखी तो देखा कि एक चमार एकता संघ रविदास जी की सिर्फ फोटो लगाई है, अन्य महापुरुषों की फोटो लगाई है मंच पर भी, लेकिन हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो नहीं है। और जय भीम बोलने पर भी यहाँ विरोध किया जा रहा है। मंजीत मेहरा जी जो हमारे बहुजन गायक हैं, इतने राष्ट्रीय स्तर के जो
नेशनल आर्टिस्ट बोलते हैं, उन्होंने भी अगर गाना गाया, बाबा साहब का गीत गाया, तो उसका भी विरोध हो गया। तो ये कैसे है, क्यों है, कौन लोग हैं जो बांट रहे हैं? ये जो इनकी ये आयोजक हैं मीरा जी जो, तो इन्होंने ये आयोजन किया है, और VHP का कोई है एक व्यक्ति जो हमें नाम अभी नहीं आ रहा, जय भगवान, इन्होंने ये सब यहाँ पे वो मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हैं। तो आप देख लीजिए कि देश को किस ओर की, किस ओर दे जाने की इनकी वो है, विजन कहाँ है। हमारा है कि बहुजन देश बनाए, ये हिंदू देश बना रहे हैं, मुस्लिम आ जाएगा कोई मुस्लिम देश बनाएगा, कोई क्रिश्चियन आ जाएगा क्रिश्चियन देश बनाएगा, तो बहुजन कहाँ जाएगा इस देश का। सिख है वो अपनी मांग अलग करते हैं, कल को जैन आ जाएंगे, कल को बौद्धिस्ट देश बनाएंगे, बौद्धिस्ट भी देश नहीं बन पाएगा। देखो ये वास्तविकता है, हमारे भाई कितने खड़े हैं, एक धर्म से कभी देश नहीं चलता। संविधान देकर गए बाबा साहब, मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं तो हिंदू पहले भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मानती अपने आप को, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है कि कैसे हमारे साथ भेदभाव होता है, अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है हमारा जाति के नाम पे, कैसे हमें नया भारत है ना, तुच्छ समझा जाता है। अमृत काल तो चल रहा है, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया क्या है ये, क्या केवल संस्कृत इंग्लिश को नहीं बोलते कि इंग्लिश ज़रूरी है हमारे लिए? तो इंग्लिश क्यों नहीं है ज़रूरी? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ इंग्लिश नहीं चलती? ये अंग्रेज़ों को बोल देते हैं कि अंग्रेज़ इंग्लिश ले आए, मुस्लिम अरबी ले आए, उर्दू ले आए, ये संस्कृत ले आए, पंजाब के लोग पंजाबी ले आए, मतलब आप लोग अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को याद दिलाया। भारतीय संस्कृति हमारी कौन सी है, सनातन धर्म कौन सा है हमारा, हम कहाँ असांस्कृतिक, या क्या हम क्या मानवता विरोधी हो गए हैं क्या हम? संस्कृति क्या होती है किसी देश की, क्या होती है संस्कृति किसी देश की? मानवता है सबसे बड़ा धर्म तो हमारा, संस्कृति हमारी क्या है, कपड़े पहनना, खाना पीना, क्या हमने सब तो समान ही है, खून देख लो निकाल के सबका सेम ही होगा। वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जल्दी से लोग, वेस्टर्न कल्चर को अपना कहाँ रहे हैं कि अभी तक कहाँ है हमारे लोग? आप बोल रही हैं क्या, वन पीस पहन के घूम रही हैं लड़कियाँ? आपको घर रहना चाहिए था, आप बाहर निकल रही हैं। मेरा घर तो मेरा देश ही है, मेरा समाज ही है, मैं तो रोड पे निकल जाती हूँ संघर्ष के लिए, काम करने के लिए, मेरा कोई घर ही नहीं है। अब बताओ फिर कुछ अलग क्या घर रहना चाहिए था? अलग होगा, ऐसा नहीं होगा जैसा चल रहा है ये तो देखो, ये तो अपने एक काम कर रहे हैं कि चलो जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए प्रगति के लिए, भरने के लिए पेट। लेकिन जो हम विजन लेके चल रहे हैं ना, आज़ाद समाज पार्टी लेके चल रही है भीम आर्मी, उसको समझना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो लेके चल रहे हैं, मायावती जी भी हैं BSP की, हमारी हमसे बड़ी हैं, हमें सम्मान है उनके लिए, हम सम्मान करते हैं सभी का, और सबका सम्मान करना चाहिए। जो भी हो रहा है हम कहते हैं कि ठीक है वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, हमें अपना विजन पता है कि हमें देश के लिए क्या लग रहा है, समाज हम भटकने वाले लोग नहीं हैं। समाज में बदलाव आ रहा है या टूट रहा है समाज? समाज को जोड़ने वाले भी लोग हैं, तोड़ने वाले भी, और ये अब से नहीं आज़ादी से चला आ रहा है। वो बात कर रही है ना अपने पिताजी की, बाबूजी जगजीवन राम की, आप भी इतिहास पढ़िए आपको पता लग जाएगा। तो जोड़ने वाले भी होते हैं, तोड़ने वाले भी होते हैं, और जब जोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना, जब अपनी सेना बढ़ जाएगी, तो वो तोड़ने वाले अपने आप रुक जाएंगे। तो किसकी संख्या ज़्यादा है अभी? अभी तो मुझे लगता है जोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है, हमारी भीम सेना हमारी ज़्यादा बढ़ रही है, अम्बेडकरवादी मनुवादियों पर हावी हो रहे हैं। अब तो अम्बेडकर राज आएगा, बहुजन राज आएगा, मूल निवासियों का राज आएगा। एक सांसद जिता नहीं पाते, एक पार्षद जिता नहीं पाए दिल्ली में, आप लोग कैसे राज? अभी हमारे लोग जागरूक नहीं है ना, शिक्षित नहीं है ना, उन्हें अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं पता, वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको धर्म में फंसा दिया जाता है, धर्म की रक्षा के लिए फंसा दिया जाता है और उनको डरा दिया जाता है। तो कैसे आएगी चेतना जाति व्यवस्था के उसमें कि वो आप लोही और लोही रहोगे? लेकिन ऐसा नहीं है ना मैडम, कैसे चेतना आएगी? तो आप लोग तो काम कर ही रहे हैं ना, देखो दोनों तरफ से बराबर के होने चाहिए ना। अगर वो आपको धर्म में बांध रहे हैं तो हाँ, हमारे पास भी अपना धर्म है, अपनी राजनीति है, हमारे पास भी है हथियार, हमारी शिक्षा, हमारी कलम, हमारा संविधान। धर्म के बिना देश चल सकता है लेकिन संविधान के बिना नहीं चल सकता। तो इस बात को याद रखना होगा, संविधान को बचाएं ना कि धर्म को, क्योंकि संविधान धर्म की रक्षा करता है ना कि तो धर्म की संविधान की। तो धर्म से चलेगा ना, तो वो अज्ञानी है ना वो लोग। वो आज तक क्या किया है इस देश ने बताओ?
अंग्रेज़ों के खिलाफ वो बोल देते हैं कि अंग्रेज़ ये करके चले गए, वेस्टर्न कल्चर अंग्रेज़। इन्होंने क्या दिया हमें? संस्कृत पढ़ने की वो नहीं थी हमें। बीजेपी पे आरोप लगाती है, कांग्रेस भी तो कर रही है, अब धर्म संवाद देखिए कमलनाथ मध्य प्रदेश में पूरा अभियान चला रहे हैं। हमने कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं किया। मैं नई पीढ़ियों में से हूँ और मैं इस चीज़ को सबको समझती आ रही हूँ कि जब इतिहास चल रहा है ना तो ये भी इतिहास बन रहा है। आगे जब अगर हम कुछ कर सकेंगे तो हम करेंगे।